कैसे बनाते हैं आप? ये गाय का गोबर से बनाते हैं। अच्छा, कितने दिन में बनाते हैं? मोदी जी से मिले थे, मोदी जी को कुछ यूनिक चीज दिए थे। मोदी जी का मुखौटा, वो भी गाय के गोबर से बना हुआ। कहाँ पर थे कि पता नहीं मोदी जी हमसे क्या सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देंगे। तो अपना फेस देखें और वो हमसे पूछ रहे थे कि किस चीज से बनाए, कैसे बनाते हैं आप? अच्छा, कितने दिन में बनाते हैं? बोतल हो गया, कूट हो गया, पेपर हो गया, जो भी मिला हमको देखते हैं कि काम लायक है। यहाँ तक लेकिन पत्थर भी जो रोड पे गिरा हुआ था उससे भी हम बना लेते हैं। तो आप कचरे को कला का रूप देते हैं। उसके बाद जब आप मोदी जी से मिले, उसके बाद परिवार वाले का क्या विचार, अब क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? नमस्कार, आप सच टॉक्स देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु सिंह। हमारे साथ जो सच हैं योगेंद्र जी, वो काफी न्यूज और चर्चा में बने हुए हैं, और चर्चा में बनने का कारण है इनका मोदी जी से मिलना। आइए, मोदी जी से क्यों मिले इन्हीं से पूछते हैं। मोदी जी से क्यों मिले थे आप? मोदी जी से मिले थे, मोदी जी को कुछ यूनिक चीज दिए थे। मोदी जी का मुखौटा, वो भी गाय का गोबर से बना हुआ। तो मोदी जी से जो पहली बार मिले, कैसा फील हुआ था आपको? थोड़ा नर्वस आ गए थे, नर्वस हो गए थे, नर्वस हो गए थे कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देख रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम आज मोदी जी के सामने खड़े हैं। पहली बार जब मिले तो कैसा, धड़कन वड़कन तेज तो नहीं हो गया था एकदम? नहीं, धड़कन तेज हो गया था, धड़कन तेज हो गया था। पता नहीं अंदर से कांप रहे थे कि पता नहीं मोदी जी हमसे क्या सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देंगे। हमको तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि मोदी जी का सामने फेस टू फेस देख रहे हैं। और जब आए, नज़दीक आए, तो हमारे कंधे पर हाथ रखकर शाबाशी भी दिए और हमारा मुखौटा जो बनाया हुआ हाथ का मुखौटा था वो अपना फेस देखें और वो हमसे पूछ रहे थे कि किस चीज से बनाए। तो हम पूरा उनको डिटेल बता रहे थे कि पांच तत्व से मिलाकर सर आपका मुखौटा हमने तैयार किया। यकीन नहीं कर रहे थे कि मुखौटा ये गाय का गोबर से बना हुआ है और शाबाशी भी दिए। अच्छा, तो आप कचरे को कला का रूप देते हैं, तो ये कब से कर रहे हैं आप? बचपन से कर रहे हैं, जैसे पांचवा छठा में पढ़ते थे ना, तो उस टाइम में स्कूल में पेंटिंग करते थे। फिर धीरे धीरे हमको कुछ और नए क्राफ्ट में रुचि बढ़ते गया, तो फिर हम कुछ बोतल पे आर्ट बनाना चालू किए हैं, पेपर मेसी आर्ट, जैसे उपेंद्र महाराती शिल्प अनुसंधान में हम क्लास भी किए थे 6 महीने का, तो वो आर्ट कुछ अलग है। लेकिन उससे भी हम अलग हट कर हम अपना आर्ट को कुछ यूनिक करना चाह रहे थे, तो गाय का गोबर से हमने बनाना चालू किए। अब कचरा में मतलब कि सब चीज यूज कर लेते हैं, जो भी कचरा में आपको मिले, मतलब वेस्ट जो चीज है उसको बेस्ट बना देते हैं। बोतल हो गया, कूट हो गया, पेपर हो गया, जो भी मिला हमको देखते हैं कि काम लायक है। यहाँ तक लेकिन पत्थर भी जो रोड पे गिरा हुआ था उससे भी हम बना लेते हैं, उससे भी। तो बचपन में जब ये कचरा उठा के आप कुछ कला का प्रयोग करते थे, तो गांव वाले तो ताना मारते होंगे ना कि क्या काम कर रहे हो? गांव वाले आदमी देख, रोड पे आदमी जब देखता था ना, तो बोलते कि अच्छा खासा ये लड़का लग रहा है, ये उठा उठा कर ले जाता है, पता नहीं क्या करता है। जब हम जानते थे, कुछ देख रहे हैं, लेकिन जब बना लेते थे, बना कर उसके बाद दिखाते थे, तो बोलते कर यार हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि जो कचरा हम रोड पे देखे थे आज वही कचरा से आप इतना अच्छा आर्ट बना दिए कि घर में सजाने लायक लग रहा है, खरीद के लेकर आ रहे हैं। और परिवार वाले का सहयोग शुरू से रहा है या शुरू में मतलब कि वो सब खिलाफ थे कि क्या कर रहे हो, कुछ काम कर लो, पैसे कमा लो, ऐसा तो हो रहा होगा? परिवार वाले तो बोलते ही होंगे। ये तो है कि परिवार वाले थोड़ा सा बोलते थे कि क्या कचरा चुनते चलते हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है, कुछ अपना रोजगार चालू करो, पढ़ाई लिखाई करो। तो हम जब बनाते थे, बना के जब दिखाते थे, तो थोड़ा खुश हो जाते थे। और जब उसके बाद जब आप मोदी जी से मिले, उसके बाद परिवार वाले का क्या विचार, अब क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? वो तो इतना खुश है कि पूछ भी मत कीजिए। आज इतना हमारे घर में इतना खुशी है, मेरे घर में क्या, हमारे जितने फ्रेंड्स लोग हैं, रिलेशन है, दूर दूर तक फोन आ रहा है कि आप मोदी जी से मिल लिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी मिलने के लिए सोचता है, आज खुद मोदी जी से आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी से मिले हैं, और इससे पहले भी और कहीं आपके कला का प्रयोग कहीं और जाके भी किए हैं, या पहली बार ऐसा था कि कोई बड़े मंच, बड़े चेहरे के सामने आपने अपने कला का प्रदर्शन किया? नहीं, पहली बार, पहली बार था। पहली बार। और आप किस किस तरह का आर्ट बनाते हैं, क्या क्या चीज़ बनाए हैं अभी तक आप? जैसे अभी पेपर मेसी आर्ट बनाए हैं, फिर उसके बाद वो बोतल का क्राफ्ट बनाए हैं, उसके बाद अभी कुछ यूनिक करना था तो हम वही गाय का गोबर से अपना बनाना चालू किए। आपका वर्ल्ड कप भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था 23 में, जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो हम इंडिया को
20 करने के लिए वर्ल्ड कप बनाए थे, मतलब जब फाइनल में पहुंची भारत उसके बाद, या उससे पहले ही बना लिया था? उससे पहले ही बना लिए थे, वर्ल्ड कप बनाए थे कि इंडिया जीतेगा तो अपना रोड शो करेंगे हम लोग। अच्छा, पूरा विश्वास था इस बार की बदले की भारत वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन फाइनल में हार गए। फाइनल में हम ये वर्ल्ड कप जिस दिन फाइनल हुआ था वो हम एनआईटी घाट तक ले भी पूरा लेकर घूमे, यहाँ तक लेकर जितने प्रशासन लोग देखे थे, मेरे साथ फोटो भी खिंचवाए। जब मैच चालू हो रहा था, इंडिया बैटिंग कर रहा था, हम लोग ले वर्ल्ड कप लेकर घूम रहे थे और साथ में मेरे प्रशासन के साथ फोटो भी खिंचवाए। लेकिन अफसोस की बात कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, तो अपने घर पे देखो वहाँ बना हुआ सब है, देखिए। तो आप अपने आप को अब आगे भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब कि कुछ शौक होगा कि हम अपने कला को एक ऊपर लेवल तक ले जाएं, ऐसे मन में इच्छाएं होंगी, कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? अब इंटरनेशनल तक जाना चाहते हैं। हाँ भाई, मेरा क्राफ्ट जो है थोड़ा सा और आगे बढ़े, लोगों को देख नज़र में आए कि हाँ ये आर्टिस्ट इस तरह का ऐसा ऐसा बनाता है, मेरे अगर आर्ट से अगर बच्चे भी सीखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जो लोग आगे जो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसी कला का प्रयोग कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं, उसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं? उनको भी यही कहेंगे कि भाई आर्ट जो है, आप लोग नए नए आर्ट बनाते रहिए। कुछ ये तो सब कोई जानता है कि भाई पेपर का ड्राइंग बना लेते हैं, किले बनाइए, पेपर में सी आर्ट बना लेते हैं, मिट्टी का बना लेते हैं। कुछ यूनिक करना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास ना हो कि भाई जो आदमी हम लोग सोचते भी नहीं थे कि इससे बन सकता है, आज उससे आप बना कर क्राफ्ट है आप सेल कर रहे हैं, चाहे किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ योगेंद्र जी थे जो कचरा से कला का प्रयोग करते हैं, मतलब कि जो गार्बेज है, जो वेस्टेज सामान है, उससे वो उठा के सामान बनाते हैं। और वो मोदी जी से मिले, मोदी जी के लिए वो मुखौटा बनाए थे, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए थे। बाकी इनकी कला को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक्स न्यूज़।